हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबीरॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आगे भाइयों मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा भाइयों डीएलएन वर्सेस एचएन के बीच 1 घंटे 50 मिनट बाद। वीडियो बनाने में अगर कुछ मेरे को लेट हो जाता है तो टेंशन मत लिया करो, इसलिए कह रहा हूँ ये आगे कर लो ज्वाइन। इधर आपको फाइनल टीम मिल जाया करेगी हर मैच की, इंक्लूडेड सारे मैचेस, फुटबॉल बास्केटबॉल प्लस लाइनअप्स, और आप इधर जीत सकते हैं भाइयों बहुत ज़बरदस्त। जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रीवियस मैच भी काफ़ी गुड गया और आप देख ही सकते हैं कि कैसे विनिंग हो रही है हमारे चैनल पे। अगर आप इधर उधर भटक रहे हैं, रोज़ चैनल बदलते हैं, रोज़ नए पे जुड़ते हैं, एक जगह फिक्स रहो। भले ही मैं नहीं कहता अपने आप को, अगर आप एक जगह अगर आपका लक अच्छा वर्क करे, मेरे साथ करे या फिर किसी और के साथ, अच्छी से आप उसी के साथ खेलो। क्योंकि ये अगर आपका एक बार भी कहीं से भी लॉस हो जाता है तो आप उनका चैनल छोड़ के इधर उधर भटकना शुरू कर देते हो, बहुत ही गलत चीज़ है भाइयों। एक जगह टिके रहें और अगर विनिंग तो होगी क्योंकि सारे बहुत कोशिश करते हैं, इंक्लूडेड मैं भी। और आगे से बात करूँ भाइयों इस मैच की, तो इसमें आप मीडियम इन्वेस्टमेंट के साथ हेड टू हेड 3 मेंबर एंड 4 मेंबर खेल सकते हैं। सबसे मेन बात आती है गोलकीपर की। अब आपको पता है पूरी जनता गोलकीपर में जाएगी इसके साथ, क्योंकि WEN पे भरोसा है कि वो पिछले मैच में 2.5 पॉइंट दे गया। हाँ, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन भाइयों हम थोड़ा रेयर करेंगे कि हम चाहेंगे जेड चोंग के साथ, क्योंकि जेड चोंग भी बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है। मैं मानता हूँ प्रीवियस मैच में 1.5 पॉइंट दिया, तो कभी भी पिछले पॉइंट पर मत देखो, हमेशा ऑल ओवर परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। और ऑल ओवर मेरे पास इसकी पूरी सेव पड़ी है परफॉर्मेंस, और बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है। आगे से बात करूँ यहाँ से लेने वाला काफ़ी बढ़िया प्लेयर मार्कस, प्रीवियस मैच में विदाउट मतलब असिस्ट केस ने गोल ही कर दिया था डायरेक्ट, जो कि भाइयों शॉट ऑन टारगेट भी बहुत ज़बरदस्त देता है ये प्लेयर, और काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, इसके साथ ज़रूर जा सकते हैं। आगे से बात करूँ जेड की, जो कि HN का प्लेयर है। अब आप ये सुन के हैरान रहेंगे कि इसने भी ऑपोजिशन टीम में गोल किया था, जो कि ये दोनों प्लेयर्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, दोनों टीम खतरनाक है। इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ही कम करनी है क्योंकि दोनों मैचेस रिस्की हैं। और आगे से बात करूँ सी हाओ, तो सी हाओ जैसे कि आपको देख सकते हैं पिछले मैच में 0.5 पॉइंट देके गया, बिकॉज 1 पॉइंट तो शुरू में मिलता है, माइनस करवा गया था। इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि हर बार नहीं होता कि माइनस करवाए, नॉर्मली कई बार प्लेयर डाउन हो जाता है। और आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा डोंग को, तो ये भी भाइयों अच्छा प्लेयर आपको यहाँ से मिल जाता है। कभी भी ये मत देखो कि कितने परसेंट सिलेक्शन है, कितने लोगों ने लिए, कभी भी ये नहीं देखना चाहिए, हमेशा देखो कि आप क्या कर सकते हो। बात करूँ मिडफील्डर की, तो यहाँ से लेने वाला भाई ओलिविया को, जो ओलिविया भी काफ़ी बढ़िया प्लेयर आपको यहाँ से मिल जाता है। प्रीवियस मैच में मैं मानता हूँ इसने गोल नहीं किया, लेकिन मिडफील्डर होके इसने 2 असिस्ट की थी, मींस आप जानते हो कि HN का प्लेयर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये। और आगे से बात करूँ यहाँ से उसी की जगह उसी टीम का लूँगा फेंग, जो कि 7% सिलेक्शन में इसने भी असिस्ट की थी। अब आप खुद लगा सकते हो एक मैच में इतनी असिस्ट हुई हैं तो गोल कितने हुए होंगे भाइयों। और आगे से बात करूँ लॉन्ग जोंग की, लॉन्ग जोंग यहाँ से आप ले सकते हैं, बढ़िया प्लेयर है, विदाउट गोल एंड असिस्ट के 3 से 4 पॉइंट हर मैच में देखे जाएगा। और यही सेम वो है मारक, दोनों प्लेयर नॉर्मल है, इन बारे में कुछ एक्सप्लेन करने के लायक मेरे पास है नहीं क्योंकि दोनों नॉर्मल हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। बात करूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड की, तो यहाँ से मिलता है हमको टॉप का प्लेयर हैनरिक क्यू, जो कि भाइयों प्रीवियस मैच में 2 गोल करके गया था। और मैं आपको बता दूँ इसके साथ ज़रूर जाना, बहुत ही ज़बरदस्त खेलता है, ग्रैंड लीग में भी रखना, हेड टू हेड में भी रखना। और आगे से बात करूँ एस रॉन्डन की, तो एस रॉन्डन भी आपको यहाँ से बढ़िया प्लेयर मिल जाता है, 26 जुलाई के मैच में सिंगल गोल करके गया था प्रीवियस मैच में, अच्छा खेलता है। अब सबसे मेन बात आती है कैप्टन वाइस कैप्टन की, जैसे कि आप लोग दोनों जानते हैं, जो लोग नहीं जानते बता दूँ दोनों टीम स्ट्रॉन्ग है, एक नहीं दोनों बहुत ही ज़्यादा और ख़तरनाक तरीके से स्ट्रॉन्ग है। और आपको एक आइडिया देना चाहूँगा, ये कॉम्बिनेशन तो है बिल्कुल रेयर, मतलब यूनिक तो है ही नहीं ना ज़्यादातर, क्योंकि लोगों को इस पर भी भरोसा है, इस पर तो मुझे बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको कुछ अलग करना है तो आप मेरे कहने पर VC इसको ट्राई करके देखना एक बार, ओडे रोसा को, बहुत ही बड़ा बहुत ही अच्छा प्लेयर है, असिस्ट प्लस गोल करने का बादशाह है भाइयों, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बता दूं दोनों टीम अगर स्ट्रांग हो तो कभी भी ऐसा रिस्क मत लेना जैसा मैं लेने वाला हूं, इसलिए इसी के साथ जाओ, सेफ प्लेयर है, बिल्कुल सेफ टीम है, या फिर मैच को अवॉइड कर लो। और अगर खेलना चाहते भी हो तो लेस इन्वेस्टमेंट करना, ज़्यादा मत करना भाइयों। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ रहे।